भारत सरकार का शहरी विकास, तो उस वक्त हमने प्रावधान किया था कि जहां झुग्गियां हैं वहीं के वहीं सरकार मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके लोगों को उसी जगह के ऊपर मकान बना करके दे, कहीं बाहर उधर का फैक्ट्री की जरूरत नहीं। और हमने ये भी कहा कि झुग्गी के हिसाब से नहीं बल्कि परिवार के हिसाब से फ्लैट बना करके देने चाहिए। यानी अगर एक झुग्गी में दो परिवार है तो दो फ्लैट उसको मिलना चाहिए, एक झुग्गी के हिसाब से नहीं, हर परिवार को एक फ्लैट मिलने का अधिकार है। और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने इसको मैनिफेस्टो में डाला है। और हम सब लोगों की पार्टी कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों का ध्यान रखती है, झुग्गी में रहने वाले लोगों का ध्यान रखती है। आपको मैं बताऊं कि इस कैंप का नाम इंदिरा कैंप है, पड़ोस में आप जाएं तो कस्तूरबा गांधी कैंप है, संजय गांधी कैंप है, कमला नेहरू कैंप है। क्यों ये सब कैंप जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम पे रखे गए हैं? इसलिए क्योंकि ये सारे कैंप को गरीब लोगों को बसाने का अगर कोई काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस का शासन होता है तो गरीब लोग और कैंप में रहने वाले लोगों को फायदा होता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को वोट दे और बुलडोजर के साइज को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भगाएं और पक्के मकान यहीं से बनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 72,000 की स्कीम भी आप सब लोगों के लिए, हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लोग देंगे। 6,000 रुपया हर महीने हर गरीब परिवार को आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी और के नहीं बल्कि महिला जो वहाँ की उस परिवार की सदस्य है उसके खाते के अंदर वो 72,000 रुपए आएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात है, गरीबी को हराने की भी बात है और ये हम सब लोग जो है मिल करके इसको लेकर के आएंगे और कांग्रेस पार्टी को आप लोग जिताए ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। हम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के एंड्रयूजगंज के इलाके इंदिरा कैंप में मौजूद हैं, जहां अजय माकन जो कांग्रेस के यहां से उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। लोगों में यहां ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के लिए और एक ज़बरदस्त भीड़ उनके साथ चल रही है। अब हम उनकी गाड़ी में बैठ के उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इन चुनावों में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या जनता के मसाइल हैं और कांग्रेस के पास उनका क्या हल है। सर, जैसे हर साल हर 5 साल बाद एक पॉलिटिशियन का इम्तहान होता है, वो इम्तहान शुरू हो गया, इस इम्तहान में आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, हम ज़मीनी मुद्दों को उठा रहे हैं और जो असली मुद्दे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे दिल्ली में हमारे व्यापारी बहुत बड़ी तादाद में हैं तो नोटबंदी पहले, उसके बाद GST और सबसे बड़ा उसके साथ में जो सीलिंग का एक खौफ है दिल्ली में व्यापारियों का, आज सारे के सारे कारोबारी और व्यापारी छोटे बड़े सब ये कह रहे हैं कि उनका काम धंधा ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण हम बात लोगों को कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, हम लोग जो हैं 170 मास्टर प्लान में अमेंडमेंट्स हमने कर दी और 170 अमेंडमेंट से ज़्यादा अमेंडमेंट्स करके हमने दिल्ली के अंदर सीलिंग के से हमने छोटे व्यापारियों को सबको बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोगों ने उनकी भी बात को रखा। तो उसी तरीके से इस सरकार को चाहिए था कि इस वक्त भी अमेंडमेंट्स करते, मास्टर प्लान के अंदर चेंजेस करते, कानून लेकर के आते। हमने एक हफ्ते में 12 मई 2006 को लोकसभा में हमने बिल इंट्रोड्यूस करके 19 मई को राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति के साइन करा करके दोनों हाउसेज में हम लोगों ने पास करके कानून बना करके दिल्ली में सीलिंग को हमने रोक दिया। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? उसी तरीके से इस केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, हमारे नई दिल्ली के अंदर लगभग 30-35% केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इनको जो है छठा वेतन आयोग कांग्रेस के समय में मिला, जो आज तक का सबसे बेहतरीन वेतन आयोग था, सबसे ज़्यादा इन लोगों की बढ़ोतरी हुई, 40% बढ़ोतरी हुई। 7वां वेतन आयोग आज तक का सबसे खराब वेतन आयोग है जो कि BJP ने दिया है, जिसमें मात्र 14% की बढ़ोतरी हुई है, जो लोएस्ट एवर है। सबसे खराब बात यह है कि 7वां वेतन आयोग ये कहता है, सिफारिश ये है कि अब आगे से कोई वेतन आयोग ही नहीं बैठेगा। तो जब आगे से कोई वेतन आयोग नहीं बैठेगा, आगे से किसी का तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी और सरकार ने ऐसी सिफारिशें एक्सेप्ट कर ली हैं, तो ये हम लोग लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो छोटे व्यापारी और रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका हम लोगों ने कांग्रेस ने कानून बनाया था जिसको अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो यही मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों के बीच में से मिल रहा है। आप जनता के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं मगर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो राइवल्स हैं, उसमें एक पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी उससे लिख जा रही है,
दूसरी जो है पूर्ण राज्य पे, तो क्या इन दोनों को काउंटर आपके जनता वाले मुद्दे कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि दोनों तो हवाई मुद्दे हैं। जब हम लोगों के बीच में बोलते हैं कि आपको रोजगार नहीं मिला और आपके काम धंधे बंद हो रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 24 लाख सरकारी नौकरियां हम करेंगे, 22 लाख खाली पड़े हुए रिक्त हैं सरकारी पद। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो लोगों को चीज़ें अपील करती हैं, क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं। अब जो है वो राष्ट्रवाद, कांग्रेस से बड़ा कोई राष्ट्रवाद हो सकता है? जिस पार्टी के नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी, उनको राष्ट्रवाद, उनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी हो सकता है? तो राष्ट्रवाद की बात, हम लोगों से बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने, आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक देश हमारा तरक्की कर रहा है, और झटके लगते रहते हैं इस तरक्की को जब जब बीजेपी आती है। और अब ये छोटा कारोबारी, छोटा व्यापारी सब ये जान गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की, मध्यम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े धनाढ्य पूंजीपतियों की पार्टी है। तो ये बड़ा साफ अब नजर आ रहा है लोगों को, इसलिए हर आदमी कांग्रेस को वापस चाहता है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका जो मुद्दा है न्याय का, और जिसमें 72,000 लोगों को, गरीब लोगों को देने का वादा किया है, उसका रिस्पांस आपको कैंपेनिंग में कैसा मिला? देखिए, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि यह 72,000 रुपए वाली स्कीम यह सिर्फ गरीबी पर वार नहीं है, ये बेरोजगारी पर भी वार है। और ये गरीबी पर वार और बेरोजगारी पर वार, रुपए 72,000, ये हम नारा लगा रहे हैं। और गरीबी पर वार इसलिए क्योंकि गरीब परिवार को पैसा मिलेगा, और बेरोजगारी पर वार इसलिए कि जब गरीब के हाथ में पैसा जाता है तो वो पैसा खर्च करता है, और जब वो पैसा खर्च करेगा, अपने लिए कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, बच्चों के लिए कुछ खरीदेगा, अपने छत, अपने घर की छत की मरम्मत कराएगा, छोटा ट्रांजिस्टर खरीद लेगा, छोटा टीवी कुछ खरीद लेगा, तो इन सब चीज़ों को जैसे ही वो खरीदना शुरू करता है मांग बढ़ जाती है। और वही मांग खत्म हो गई थी जब नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी ने पूरी मार्केट से पैसा बाहर निकाल दिया, और ये 72,000 वाली स्कीम नोट वापसी की स्कीम है जो राहुल गांधी कहते हैं, और इस नोट वापसी से हमारी इकॉनमी जो है वो एक झटके से, जैसे गाड़ी किक स्टार्ट करनी होती है, वो ये काम करेगी जो मनमोहन सिंह कहते हैं कि हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इस तरीके से झटके की, जिससे कि इकॉनमी हमारी आगे बढ़े। तो जब मांग बढ़ेगी, मांग से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से रोज़गार बढ़ेगा। तो ये जो 72,000 वाली स्कीम है, ये ना केवल गरीबी पर वार है, ये बल्कि बेरोजगार पर भी वार है, क्योंकि इससे रोज़गार पैदा होगा, इससे इकॉनमी अच्छी होगी, इससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। जब ये अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि मांग पैदा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मांग ही नहीं है, लोग पैसा, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हैं। तो जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग वो पैसा खर्च करेंगे। अभी पैसा सिर्फ धनाढ्य पूंजीपतियों के पास में, और वो अपना पैसा जो मिलता है उनको बैंक से, या एक तरीके से बैंक से जो मिल रहा है, सरकारी बैंक, तो सरकार से पैसा मिल रहा है। तो जब पैसा उनको मिलता है, उनकी तिजोरियों में जाता है, आधा पैसा देश से बाहर चला जाता है, तो नीचे लोगों के बीच में वो पैसा नहीं आता, इसलिए मांग पैदा नहीं होती। कांग्रेस की जो स्कीम्स होती हैं, चाहे मनरेगा की स्कीम है, चाहे किसानों की कर्ज माफी वाली स्कीम है, इन स्कीमों से जो गरीब आदमी है उसके हाथ में पैसा जाता है, जिसके घर में कोई लॉकर नहीं है, जिसके घर में कोई तिजोरी नहीं है, तो वो पैसा तो सीधे के सीधे गरीब आदमी खर्च करता है। और जब वो गरीब आदमी खर्च करता है, उससे मांग पैदा होती है, मांग पैदा होने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है, इन सब चीज़ों से जो है देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसीलिए कांग्रेस के समय में अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, कांग्रेस के समय में रोजगार भी बढ़ता है, कांग्रेस के समय में उत्पादन भी बढ़ता है, और गरीब आदमी उसको फायदा उठाता है। आपने पॉलिटिकल जीवन में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स देखे होंगे, उनके वर्किंग पहले भी के भी सुने होंगे, मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मैं से शुरू करते हैं और मैं पे ख़त्म करते हैं, और अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर, बतौर चीफ मिनिस्टर इन्होंने सफलता हासिल करी होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिर्फ मैं करके चला सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को मैं करके नहीं चला सकता। उसके पास में टीम होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स के ऊपर उसको विश्वास होना चाहिए, और पूरा टीम वर्क करना चाहिए। खुद स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, उसके अपने साथी स्ट्रांग होने चाहिए अपने अपने मंत्रालयों के अंदर। तो नरेंद्र मोदी जी के सबसे ख़राब चीज़ ये है कि वो सारा का सारा पावर, सारे के सारे डिसीजंस, पॉलिसी मेकिंग इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज कर लिया है उन्होंने कि उनका कोई भी मंत्री और कोई भी मंत्रालय इंडिपेंडेंटली ढंग से काम नहीं कर रहा, इसलिए सबके सब ठप हो गए। तो जब तक आप एक्सपर्ट्स को, जब तक आप दूसरे और मंत्रियों को पावर नहीं देंगे, जब तक के मंत्री सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक के देश आगे नहीं चलेगा।
अगर प्रधानमंत्री सोचे कि वही एक अच्छे विदेश मंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री को कोने में कर दिया, वो सोचे वो अच्छे वित्त मंत्री हो सकते हैं, वित्त मंत्री को कोने में कर दिया, वो सोचे कि अच्छे लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं, लॉ मिनिस्टर कोने में कर दिया, अच्छे गृह मंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री को कोने में कर दिया, तो वो प्रधानमंत्री फेल होना ही होना, वो चल ही नहीं सकता। दिल्ली में अलायंस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी अलायंस के बारे में पहले ये राय थी कि हम लोग अगर अलायंस करेंगे तो दिल्ली में हम सातों सीटें 2-2, 3-3 लाख वोट से अलायंस जीत सकता है, लेकिन अब अलायंस नहीं हुआ तो हमारी लड़ाई कठिन हो गई। हम लोग जो हैं 2-3 लाख वोट से हर एक सीट की जगह हम 1-1.5 लाख से जीत जाएंगे, हमारे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, जीतेंगे हम अभी भी सातों सीटें, भाजपा अभी भी सातों हारेगी, लेकिन अगर अलायंस हो जाता हम बड़े आराम से सातों के सातों हम 2-2, 3-3 लाख वोट से जीतते। आपने जो अपना प्रबंधा किया हुआ है, जो उन्होंने स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक, हेल्थ, उसमें बहुत काम किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, जो केजरीवाल का प्रोपोगंडा और मोदी के प्रोपोगंडा में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों के दोनों सिर्फ हवा में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल करके दोनों के दोनों प्रोपोगंडा करते हैं और दोनों एक ही जैसा दोनों का स्टाइल है। नीचे ज़मीन पे किसी ने जा कर के देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स क्या हैं? हमने सर्वेस करवाए मोहल्ला क्लिनिक्स के और स्कूल्स के। ये लोग जो हैं 2-4-5 मोहल्ला क्लिनिक और 2-4-5 स्कूल्स को जैसे ड्राइंग रूम सजा देता है कोई आदमी अपने घर में आने वालों के लिए, वैसे सजा करके रखा हुआ है, और उसके पीछे ड्राइंग रूम के पीछे जा करके देखें तो घर की असली हालत समझ में आती है कि कितनी बर्बरता की, कितनी जर्जरता की हालत सब जगह के ऊपर है। और पूरे के पूरे हमारे मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उसके अंदर एक तो ये मोहल्ला क्लिनिक चलाने की जो जो पॉलिसी है वही बहुत फ्लॉड है। इसके अंदर जो है एक डॉक्टर को पर पेशेंट जो है पैसा मिलता है और हर डॉक्टर इतने पैसे ले जा रहा है जितने में आप पूरा 12 घंटे का आप जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर उतने तनख्वाह में आप रख सकते हो, और वो केवल 4 घंटे काम करके वो उतने पैसे ले जा रहा है जितने में आप जो है 12 घंटे काम करने वाला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रख सकते हो। तो क्यों आप जो है 4 घंटे के पैसे दे करके 12 घंटे की जगह 4 घंटे का काम करा रहे हैं और उतने ही पैसे दे रहे हैं। दूसरा, जो सरकार का काम होना चाहिए कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स के माध्यम से ना केवल छोटी छोटी दवाइयां दी जाएं बल्कि कैसे रोगों से बचा जाए, कैसे प्रोपोगेट किया जाना चाहिए कि कैसे जो है स्वच्छता का या और बीमारियों से किस तरीके से बचा जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोहल्ला क्लिनिक या छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से होना चाहिए जो ये सरकार नहीं कर रही है। तो यह जो है 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके यह सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा जो है, इन्होंने किराए पे शुरू में अपने वर्करों के यहाँ खोल दिया और जो जिसकी किराया 5,000 होना चाहिए अपने वर्करों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 20,000 रुपये महीने का किराया कर दिया बगैर किसी टेंडर के, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो अपने वर्कर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अनाप शनाप पैसा इन्होंने 3-3 गुना इसमें खर्च कर दिया है और लोगों को जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कांग्रेस के समय में जो डिस्पेंसरीज थी उसमें से 150 डिस्पेंसरीज इन्होंने बंद कर दी हैं। तो जब 150 डिस्पेंसरीज बंद हो गई और उसके बदले 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया और वो भी सिर्फ 4 घंटे चलता है, तो इसमें कहाँ की बड़ी बात हो गई। सर, प्रियंका एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं, आप उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कैसा इम्पैक्ट देखते हैं? बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, कांग्रेस के वर्कर्स में बहुत जोश है। और दूसरा, राहुल गांधी जी को बहुत सख्त ज़रूरत थी कि एक एक्टिव परिवार का आदमी उनके साथ में काम करें, और हमें बहुत खुशी है कि प्रियंका जी आई हैं और कांग्रेस के वर्कर्स बड़े उत्साहित हैं और राहुल जी और प्रियंका जी की टीम अब काम करेगी, और एज ए टीम जब दोनों के दोनों लगकर काम करेंगे तो आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा है और आगे आने वाले समय में आपको और बेहतर रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। दिल्ली में आपका मुकाबला बीजेपी से है? बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने, क्योंकि नेशनल पार्टी है हम दोनों और नेशनल अलायंस के एक तरीके से हेड करते हैं, सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं दोनों की दोनों, तो इसलिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और एनडीए वर्सेस यूपी है, जिसमें कांग्रेस अहम पार्टी है।